सारा देश रे एबे ऑक्सीजन इमरजेंसी कोविड स्थिति एबे युद्ध सह समान युद्ध जितिबा पई जेउ भली अस्त्रशस्त्र महजूद रो आवश्यकता थाए सेई भली कोरोना युद्ध उपरे विजय लाभ करबा खले सचेतनता ओ ऑक्सीजन सिलिंडर महजूद रखिबा नित्यांत आवश्यक अटे। अन्य राज्य अपेक्षा ओडिसा एबे भलो स्थिति रे रहिछि, किंतु बेंगल हरिद्वार और छत्तीसगढ़ रु आसुथिबा कोरोना रोगी एबे ओडिसा को विपद आड़कु टाणी नेछंती। आजिर स्थिति काली रहिबो बोली केही आकलन करिपरिबे नाही। एभली परिस्थिति रे आम सरकार टिके बाहबा नबा पाई ओडिसा रे थिबा शिल्प संस्थारु ऑक्सीजन सिलिंडर गुड़ी को दिल्ली महाराष्ट्र तथा अन्य राज्य को जोगाई देउछंती। गतकाली आरएसपी रु 40 मेट्रिक टन, कलिंगनगर टाटा इस्पात थारु 30 मेट्रिक टन अम्लजान विभिन्न राज्य को प्रदान करिछंती आम मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। केन्द्र रे निज छवि को वृद्धि करिबा पई एभली पदक्षेप निया जाउछि बोली चर्चा जोर धरछि। तेबे आगामी दिन रे ओडिसा रो लोके जदि ऑक्सीजन अभाव रे प्राण हरायबे तेबे सेथि पई किए दाय रहिबे। एभली युद्ध परिस्थिति रे राज्य सरकारंकर एभली पदक्षेप को विभिन्न महलरु मिश्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाउथबा देखबा को मिलिछि। ब्युरो रिपोर्ट प्रेस न्यूज। बहु चर्चित रमादेवी महाविद्यालयर मेधावी छात्री झराफुल मृत्यु रहस्य उपरु आज हटिला परदा। 30,000 टंका पाई झराफुल को करा जाइथिला हत्या। पुरुष बंधु राकेश झराफुल को श्वासरुद्ध करी मारी देइथिले। जाजपुर एसपी राहुल पीआर प्रेसमिट रे एही सूचना प्रदान करिछंती। मृत्यु घटना रे मुख्य अभियुक्त कुआ जाउथबा राकेश स्वई को आज पुलिस गिरफ करी कोर्ट चालन करबा सह रिमांड राडी मृत्यु संपर्क रे तथ्य हासिल करथिला। एही मृत्यु मामलें संपृक्त थिबा राकेशर सहयोगी शक्ति शेखर स्वई को भुवनेश्वर जाजपुर पुलिस गिरफ करबा परे एही रहस्यजनक मृत्यु मामला सामनारु पर्दा हटिछि। दुईचकिया बाइक किणिबा पई राकेश झराफुल ठारु 30,000 टंका नैथिला। परे टंका फेरेबा पई राकेश दिन गडैबारु उभयंक मध्यरे तिक्तता देखा दैथिला। टंका नदले घरकु जाय कहिबो बोली झराफुल राकेश को चेतावनी मध्य देइथिले। तेबे परे टंका देबा बहानारे राकेश झराफुल को डकाइथिले। जन्मदिन पार्टी को आसीबा झराफुल को राकेश अटकाइथिला। 26 तारिख रे भुवनेश्वर ठारे एक ओयो होटल को राकेश झराफुल को नेकि जाइथिला। सेठारे बलपूर्वक राकेश झराफुल को मद मध्य पियाइथिला। मद पी झराफुल चेताशून्य हेबा परे राकेश ताकु श्वासरुद्ध करी हत्या करिथिला। परे उभय सहयोगी को डाकी राकेश शब फिंगिया पई व्यवस्था मध्य करिथिला। एठारे आमे कहि रखुछु गत जनवरी 27 तारीख सकाळे झराफुल मृतदेह जाजपुर कुआखिया निकट मूलापाल छक राजेन्द्रपुर रास्ता कड़ मिलिथिला। जनवरी 25 तारीख रे से भुवनेश्वर रहुथिबा धरमबापा चक्रधर झी जन्मदिन पार्टी में जोगदेवा गाँव रु भुवनेश्वर आसी 26 तारिख में पूर्वाह्न 11टा बेले जयदेव विहार झराफुल को जशीपुर जाऊथिबा झाड़ेश्वर बस रे बसाइथिले चक्रधर। किंतु असुस्थ दर्शाई झराफुल बाणीविहार छकरे ओल्हाई पड़ते। झराफुल बस रे बसिबार किछि समय परे बापा रमाकांत फोन करथिले। झराफुल फोन रिसीव करी देह असुस्थ लागिबारु सांग सोनालिंक घरे अछि बोली कहिथिले। ता परठारु तांको मोबाइल बंद होई जाइथिला। 27 तारिख सकाळे झराफुल मृतदेह जाजपुर कुआखिया निकट रास्ता कड़ मिलिथिला। मृतदेह जबत करी कुआखिया थाना पुलिस तनाघना आरंभ मध्य करिथिला। राकेश स्वाईं चिन्ह परिचय थिला झराफुल सांगरे आउ तारो मित्रता थिला। किछि स्ट्रांग फ्रेंडशिप डेवलप करला परे से बारंबार झराफुल
छात्री को किसी पैसा धार नहीं थिला। ये घटना जो मर्डर हैला ता तो किसी सप्ताह तलटू झरफुल पैसा फेरवाप बारंबार इनसीस्ट करूला। 24 जनवरी को से भुवनेश्वर जाइला, डीसीस्ट भुवनेश्वर जाइला गोटे बर्थडे सेलिब्रेशन अटेंड करने सेठी जाके से इनसीस्ट करला बारंबार ताकू मुख्य अभियुक्त राकेश स्वाई को पैसापाई देवाई बाध्य करूला किंतु से मना करूला। किंतु झराफुल ताकू चेतावनी देला यदि से पैसा फेरइब ना तेल से राकेश स्वाई ता घर को जाके तार घर को फैमिली को आर नेबरहुड रे कह रिवील कर तार फादर मदर ठूँ पैसा मांग चेतावनी देता या से बहुत इनस्टिगेट है आउ प्लान करेला, कॉन्स्पायर करेला आउ एक्सिक्यूट करेला। 26th नाइट को से गोटे ऑयल रूम रे मर्डर करेला, एक मर्डर करी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रे आउ एविडेंस डिस्ट्रॉय करबारे आउ दुई जन अलग अलग इनवॉल्व अच्छे से पैसा देबो बोली ये छात्री को कही झराफुल को पैसा देबो बोली बहानारे ताकू नहीं जाके गोटे होटल रे अपेक्षा करबा बहानारे रखी सेठी से ताकू बाध्य करेला लिकर कंज्यूम करने फोर्सफुली ही गेव लिकर टू द गर्ल एंड व्हेन शी वाज इन अनकॉन्शियस स्टेट ही कमिटेड मर्डर बाय स्मदरिंग। जाजपुर रु सतरंजन पाढ़ी रिपोर्ट। जाजपुर जिला धर्मशाला अंचल सूचना अधिकार कर्मी सर्वेश्वर बेहुरा गाड़ी उपरक बोमा माड़ घटना पूर्व शत्रुता को केन्द्र करी होइतिला बोमा माड़। पूर्वरु एही घटना रे तीन जन अभियुक्त को गिरफ करिबारे सक्षम होइतिला जाजपुर पुलिस। आज मुख्य अभियुक्त रवि दास को गिरफ करी कोर्ट चलन कला धर्मशाला पुलिस। कौनसी सूचना रु खबर पाई जाजपुर पुलिस गतकाली रातिरे कटक आठगड़ अंचल मुख्य अभियुक्त को गिरफ करिबारे सक्षम होइतिले। अधिक पचरा उचरा करी धर्मशाला पुलिस आज गिरफ करी कोर्ट चलन करितिबा कहिछन्ति जाजपुर एसपी राहुल पियात। आज रिसेंटली जो केस हेतिला धर्मशाला थाना रे बॉम्बिंग रिलेटेड जणे आरटीआ एक्टिविस्ट रे बॉम्बिंग हेतिला से केस रे ऑलरेडी 4 जन अभियुक्त को पुलिस गिरफ करी फॉरवर्ड करिछन्ति। मुख्य अभियुक्त रवि दास बोली जणे से जनापुर पुलिस स्टेशन रो निवासी पुलिस स्टेशन जुरिस्डिक्शन रो अछि घर ताकू आज पुलिस आप्रिहेन करी आउ कोर्ट फॉरवर्ड कर आउ कि अभियुक्त भी अच्छा बट मेजर अभियुक्त अभियोगी ये थिले आउ मेजर अक्यूज्ड ये थिले आउ कि भी अच्छा। एपटे बोमा माड़ शिकार होइतिबा सूचना अधिकार कर्मी सर्वेश्वर बेहुरा जाजपुर पुलिस कार्यानुष्ठान संतुष्ट नुहंती बोली कहिछंती। रवि दास किए मु जानी कि चिन्हनी तासह मोर व्यक्तिगत कौनसी शत्रुता नथिला एतरे मुख्य षड्यंत्र करी किए जहाँ आज पर्यंत जाजपुर पुलिस निकटने पहुंची पारा ना अंपटे पुलिस राजनैतिक चापर तदंत को बाट बणा करूना तो बोली प्रश्न करवेश्वर मुस्पी मोर गभर सम्मान अच्छी भरोसा कि आज जो भाव आरक्षी महोदय जो स्टेटमेंट दे गभर दुखित मर्माहत मो पर सहकारी कारण एभली एक स्पर्शकतर घटना को यह हालका भाव न निजा कथा कारण रविदास को मुझ चिन्हनी जानी ता सहित मोर कौन शत्रुता ना से जो कौन मोर कौन बद ना कि ना कि मुख्य षड़ी को प्रथम धरा जाऊ जी रविदास गुमास्ता थी रविदास जहाँ पाखे गुमास्ता थी यार मास्टर माइंड किए या धरवार आवश्यकता अच्छे रविदास को गिरफ करदे जदि पुलिस बाबा निए ताले मु कहबि ये पुलिस रो राजनीतिक चापरे ये भोली काम करिया को बाध्य होउछि। आमे चिंता करबा आमे हमरो राज्य नेतृत्व मोर सहकर्मी जे अछन्ति सूचना अधिकार कर्मी धर्मशाला साधारण जनता पाखु आमे जीव आमको न्याय दरकार आमे न्याय छौ आउ किछि नै। गत 27 तारीख रात धर्मशाला थाना इमाम नगर गाँव में घटी घटना एथिरे श्री बेहुरा गुरुतर भाव आहत होता बेले अन्य दुई सहयोगी आहत होते घटना दिन अभियुक्त मैंने चारोटी बोमा फिंगा पर फेरार हो जाते आउ के संप्रति रही से नहीं अधिक तदंत जारी रही सांबादिक सम्मिलनी सूचना देखते जाजपुर एसपी राहुल पियार।
आज मुख्य अभियुक्त को गिरफ्त करी कोर्ट चालान करी जाजपुर पुलिस। जाजपुर सत्यरंजन पाढ़ी रिपोर्ट। आसंता काली ठारु आरंभ हेउछि सप्ताहांत शटडाउन। शनिवार और रविवार समस्त सहरांचल शटडाउन रहिबो। तेबे उभय दिन सकाळे घंटाए लेखाए कोहळ मिलिबो। मॉर्निंग वॉक पई ओ साइकिलिंग पई घंटाए लेखाए कोहळ कराजिबो। सकाळ 5टा रु 6टा पर्यंत कोहळ समय मिलिबो। एने स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर प्रदीप जेना सूचना देइछंती। एहि शटडाउन शुक्रवार संध्यारे आरंभ होई सोमवार सकाळ 5टा पर्यंत रहिबो। तेबे रिलीफ कमिश्नर कहिछंती जे पश्चिम बंगरु आसुथिबा समस्त लोकंको जांच कराजिबो। जेउमानकर आरटीपीसीआर नेगेटिव सर्टिफिकेट ओ वैक्सीन नेथिबा सर्टिफिकेट नथिबो सेमानकु क्वारंटाइन किंबा पेड क्वारंटाइन रे रहिबाकु पडिबो। जेउमानकर उक्त सर्टिफिकेट थिबो सेमानकु 14 दिन होम क्वारंटाइन रे रहिबाकु अनुमति दियाजिबो। होम क्वारंटाइन रे रहिबा समय रे समस्त शर्त मानि रहिबे। जदि केही एई गाइडलाइन को न मानंती तेबे सेमानकु 14 दिन क्वारंटाइन रे रखा जिवो। तेबे ओडिसा रो लोके जदि पश्चिम बंगरु जाईकी फेरिथिबे तेबे से ओडिसा रो बासिंदा होइथांतु किंबा बाहर राज्य रो होइथांतु ओडिसा को प्रवेश करिबा मात्रे एई आदेश सेमानक पई मध्य लागू हेबो। नमस्कार, आपण माने जानंती राज्य रे वर्तमान राज्य रो समस्त शहरांचल रे संध्या बेलिया नाइट कर्फ्यू जारी रहिछि एवं आज मध्य नाइट कर्फ्यू बलवत्तर अछि। एवं आज नाइट कर्फ्यू काले सकाळ 5टा पर्यंत बलवत्तर रहिबो। एवं ता परे आपण माने जानथिबे राज्य सरकार आदेश देइछंती सप्ताहांत शटडाउन करिया पई राज्यर सहरांचल गुड़िक। एवं गणमाध्यम रे यथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सामाजिक गणमाध्यम रे केते गुड़िए कोरी आसी जे ये शटडाउन शनिवार सकाळ आरंभ हो कि संध्यारे आरंभ हो। ए संपर्क में आपण मानको सूचाई देवा चाहे जे सप्ताहांत शटडाउन जोटी राज्यर सहरांचल गुड़िक हम शनिवार एवं रविवार मे 15 तारीख पर्यंत बलवत्तर रहिबो। ताहा शनिवार सकाळ आरंभ हेबो एवं शनिवार रविवार दुई दिन रहिबो। ता अर्थ शुक्रवार संध्या रे जो नाइट कर्फ्यू आरंभ हेथिबो से नाइट कर्फ्यू रो कंटिन्यू करिबो शटडाउन। नाइट कर्फ्यू सरसरु सकाळ शटडाउन आरंभ हेबो एवं ताहा सोमवार सकाळ 5टा पर्यंत लागू रहिबो। भुवनेश्वर विश्वजीत दास को रिपोर्ट। समय होइछि एको विरतिर विरति परे देखिबा अन्यान्य खबर। अमृत दुनिया सत्य पढ़ंतु सठिक पढ़ंतु पढ़ंतु अमृत दुनिया। प्राथमिक शिक्षा बच्चे के भविष्य की नींव है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आत्मविश्वास से भरे स्मार्ट और तेज तरार हो तो कृपया उत्कल बचपन के पास आए। यह आपके बच्चे के लिए दूसरा घर होगा। स्कूल में उत्कृष्ट शिक्षक, घरेलू वातावरण और सभी शिक्षण सहायक उपकरण हैं। स्कूल मस्ती के माध्यम से सीखने में विश्वास करता है। स्कूल में वातानुकूलित क्लासरूम, सीसीटीवी कमरे, बॉल रूम, डॉल हाउस, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, इंडोर और आउटडोर गेम्स, डाइनिंग रूम और एक सेलिब्रेशन कॉर्नर है। यह पूरी का एकमात्र स्कूल है जिसका ISO प्रमाणन 2001-2015 है। आप अपने बच्चे को उत्कल बचपन परिवार का हिस्सा होने दें और हम आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य का आश्वासन देते हैं। वो जिंदगी भी क्या जिसमें प्यास ना हो। इस खुशियों के सीजन पे बुझाइए अपनी प्यास सिर्फ अमृत के साथ। अमृत वाटर विद एडेड मिनरल्स। प्यास जरूरी है। अमृत दुनिया सत्य पढ़ंतु सठिक पढ़ंतु
पढ़ंतु अमृत दुनिया। ताजगी का एहसास अपने होठों से रूह तक, अमृत वाटर विद आर मिनरल्स, प्यास जरूरी है। अमृत टोन मिल्क कैल्शियम र शक्ति सह पैस्चराइज्ड एंड होमोजेनाइज्ड, जहाला एकदम प्योर अमृत टोन मिल्क। मीना जी मावा आपके सफर में आपके साथ, स्वाद और क्वालिटी में दमदार, ₹5 में प्रीमियम टेस्ट। मीना जी मावा अब प्रीमियम पैक में। मीना जी प्रीमियम पान मसाला सिर्फ ₹5 में, मस्त मजा। मीना जी प्रीमियम पान मसाला। अजवाइन के अनगिनत गुणों से भरपूर एक ऐसा पाचक डाइजेस्टिव जो पेट को आराम दे जाए, मीना जी पाचक अजवाइन, पाचक और गैस नाशक। खाने के शौकीन अब कैसी चिंता, जब हर खाने के बाद हो मीना जी पाचक आमला। खाओ चटपट, हजम झटपट, मीना जी पाचक आमला। अदरक में है प्राकृतिक गुणकारी शक्तियाँ जो पाचक के रूप में है वरदान, हेल्दी हर्बल और गुणकारी, मीना जी पाचक जिंजर। दुनिया सत्य पढ़ंतु, सठिक पढ़ंतु, पढ़ंतु अमृत दुनिया। विरती परे आपण मनकु आउथरे स्वागत। श्रीमंदिर रामनवमी तिथि श्रीराम जन्मनीति अनुष्ठित होगा सह श्रीमंदिर एवं श्रीक्षेत्र पारंपरिक समर कला नृत्य साहिजातर आरंभ हो। श्रीमंदिर रीतिनीति और परंपरा अनुजाई रामनवमी ठार राम अभिषेक पर्यंत श्रीक्षेत्र साहिजात अनुष्ठित होता है। चैत्र मास शुक्लपक्ष दशमी तिथि श्रीमंदिर परंपरा अनुजाई यज्ञ रक्षा एवं नाक कान बद्ध नीति अनुष्ठित हो। गुरुवार श्रीमंदिर महाप्रभु संध्याधूप उत्तारे दक्षिणी घर श्री रामजन्म एवं श्री लक्ष्मण प्रतिमूर्ति को महाजन सेवक मैंने भितरक विजे कर रत्न सिंहासन निकट को नहीं। पालिया पूजापंडा सामंत महाप्रभु आज्ञामाल आनी श्रीराम एवं लक्ष्मण को प्रदान करते महाजन सेवक ठाकुर को नहीं मुक्तिमंडप निकटने पालिंकी विजे कर परे साहिजात नीति निमन्ते ठाकुर पालिंकी श्रीजगन्नाथ बल्लभ को विजे करते श्रीराम एवं लक्ष्मण जगन्नाथ बल्लभ परिसर में पहुंचा पर ठाकुर को मठर खटसेज उपरको विजे करते। अपरपक्ष साहिजातर द्वितीय दिवस हरचंडी साहि अखड़ा पक्ष यज्ञ रक्षा नाक कान मरीचि एवं सुबाहु बध नीति प्रस्ताव आगत कर हरचंडी साहि अखड़ रामायण विभिन्न चरित्र अभिनय करुवा चरित्र जगन्नाथ बल्लभ परिसर में पहुंच विभिन्न कलाकौशल एवं नृत्य प्रदर्शन करते श्रीराम एवं लक्ष्मण द्वारा समस्त नीति संपादन करीति संपन्न पर ठाकुर को शीतल भोग मणोही ठाकुर श्रीमंदिर को बाहुड़ा विजय करते। हरचंडी आखड़ा बारवाटी जगार संतोष बेहरा नाक एवं त्रिनाथ महांती कान भूमिकार अभिनय करते। आखड़ार सभापति सागर दीनबंधु प्रतिहारी, संपादक कोठारी नारायण मेकअप, सांस्कृतिक संपादक नारायण महास्वर समेत आखड़ार 20 जन सदस्य प्रमुख नीति को परिचालना करते। पुरीरो शिवप्रसाद दास का रिपोर्ट। ओडिशा एवं देशर हिंदू मानंकर बहु सम्मानित स्थान होउची पुरी स्वर्गद्वार। भावावेग सहित जड़ित एही पुरी स्वर्गद्वार लोकंक भावना को सम्मान देवार व्यवस्था सबदा पई आसुथिबा लोकंक मिलिबो भिन्न अनुभूति। स्वर्गद्वार पई रूपांतर कार्य फेब्रुवारी 2020 रे आरंभ होइतला, जहां शताब्दीर सबुठारु पुरुणा श्मशान को एक आधुनिक रूप से विकसित करिबा एवं लोकंकु सर्वोत्तम सुविधा जोगेबा पई लक्ष्य आरंभ होइतला एही योजना।
एथिपाई राज्य सरकार 5 कोटी टंका अनुदान देछंती। सबदाह पिंड, अस्थिपाई लकर, पानीय जल व्यवस्था, शौचालय, अपेक्षा गृह, पूजा पाई रहिब स्वतंत्र व्यवस्था। सबदाह स्थळकु हेउथिबा कांथरे राम सह विभिन्न देवादेवी चित्र मध्य अंकन करा जिवो। शबदाह करी फेरुथिबा लोकमाने एक भिन्न अनुभूति रे घरकु फेरिबे, सेथिपाई समस्त व्यवस्था करा जायछि। स्वर्गदार एभली कार्यक्रम अनुधान करी सूचना देइछंती पुरी जिलापाल। आंध्र प्रदेश महापुराण ढांचारे पुरी स्वर्गद्वार निर्माण करा जाउछि। स्वर्गद्वार रे मध्य ड्राई रन कार्य आरंभ करा जायछि। यथाशीघ्र एहा कार्यक्रम हेबो एवं एही कार्य पई विभिन्न महलरु एबे स्वागत करा जाउछि। नै देखंतु वर्तमान जो प्रकार डेवलपमेंट कार्यक्रम चलीजे निश्चित भाव रे एहा एको स्वागत योग्य पदक्षेप। कथा होउछि एहा केते दिन ठीक भाव रे चलिबो, एहा जदि ठीक भाव रे पौर प्रशासन एको चलै न पारिबे एहा पुनर्मूषिक भाव घटिबो। तेणु एथिपई या उपरे कर्मचारी नियुक्ति होबा दरकार, जुलम रु रक्षा पाइबा पई निहाती भाव रे से व्यवस्था करा जिबा दरकार, एवं स्वर्गद्वार रु समुद्र को जो कनेक्टिंग कार्यक्रम ता ओवर ब्रिज गोटे करा जाई ता निश्चित भाव रे लोक जो स्नान करी आसी ये करंती पथश्राद्ध करंती याकु ए कार्यक्रम को निघा रखिबा दरकार। ता आरंभ ही नी ए कार्यक्रम जदिबा शेष पर्याय रे पहुंची मु भाबुची आउरी कार्यक्रम आगु को रहिची। निश्चित भाव रे एहा जदि पर्याप्त परिमाण रे कार्यक्रम करा जिवो ताहाले केवल पुरीवासी नु सारा ओडिसा ब्रासी पई एक संदेश जिवो जे स्वर्गद्वार रो उन्नतिकरण होईची एवं स्वच्छ शहर एवं आइकन सिटी भाव रे पूरी आगामी दिन रे परिणत होबो। स्वर्गद्वार आग बहुत अव्यवस्था थिला, आम शोशा नहीं गला बेलू नानास नहीं गला भारी अव्यवस्था थी, बहुत श्रृंखला होती बहुत किसी कम होगलानी। ओडिशा सरकार तत्वधान बहुत किसी कम हो आगामी आउ किसी हाँ आशा करते सुविधा हम आम सेवायत मैंने अन्न मैंने जो मैंने आज पर्यटन आने सुविधा सुजोग पाइबे। अन्यपटे राज्य सरकार नवनिर्मित होता यह स्वर्गद्वार केते दूर सदुपयोग होइपारुछि और रक्षणाबेक्षण दायित्व किभरी करा जाउछि ताहा उपरे बे समस्त नजर। भावाबेग सहित जड़ित पुरी स्वर्गद्वार बदलुछि स्वर्गद्वार चित्र। शबदाह आसुवा लोक मिल भिन्न अनुभूति। राज्य सरकार 5 कोटी अनुदान निर्मित करथिबा एई स्वर्गद्वार एबे भिन्न रूपरे, तो आगामी दिन में स्वर्गद्वार को राज्य सरकार कहा हाथ में टेकुचंती किपर परिचालन दायित्व देउचंती यार रक्षणाबेक्षण किपर करा समस्त नजर। पुरी शिवप्रसाद दास रिपोर्ट, प्रयास न्यूज। देशरे टीका पाई बजेट रे 36,000 कोटी और पीएम केयर फंड रे लक्ष लक्ष कोटी आसिला परे अद्यावधि सार्वजनिक टीकाकरण हेलानी। देढ़ वर्ष रे हॉस्पिटल हेलानी कि आईसीयू तैयारी कलेनी। कोरोना रो द्वितीय लहर काया विस्तार कलानी। देशरे टीका मडक सेपटे टीका पाई उत्सव करुछंती मोदी। पर्याप्त टेस्टिंग कले प्रकृत तथ्य भिन्न हेबो। बाहर आसुथिबा लोकंको जिल्ला रे परीक्षा न करै निज दायित्व रे छाडी देबा गोष्ठी संक्रमण वृद्धि पाइबो।
कोरोना रोगी को घरोई संगरोधरे रखिले तार चिकित्सा व्याघत हेबो बोली कोरोना संक्रमण व्यापीबो सीपीआईएम एहा अभियोग करिछि। आज पार्टी तरफ मुख्यमंत्री को दाबी पत्र दिया जाइछि। कुहा जाइछि कि टीकाकरण सार्वजनिक मागणारे करी अधिक टेस्टिंग करिबा कोरोना रोगी को घरोई संगरोधरे न रखी कोविड जत्न गृह रखी आवश्यक चिकित्सा देबा जिले में अधिक आईसीयू तैयारी करी अम्लजान गच्छित रखिबा जिले में गत वर्ष खोलितिबा समस्त कोविड केयर सेंटर और कोविड हॉस्पिटल को पुनः स्थापन करिबा और सेतिरे काम करुथिबा समस्त स्वास्थ्यकर्मी को कोरोना योद्धा घोषणा करिबा आईसीयू रोगी का प्रियजन पई चिकित्सा संबंधी समस्त तथ्य सीसीटीवी माध्यम रे सार्वजनिक करिबा को दाबी करा जायछि। एहि प्रतिनिधि मंडली रे संपादक शरद कुमार रायगुरु जगन्नाथ देव मनोरंजन महाराणा रंजित नायक प्रमुख जाय अतिरिक्त जिलापालक सह आलोचना करथिले। देखंतु आज कोरोनार द्वितीय लहर भारत वर्ष रे तार काया विस्तार कला बेले भारत वर्ष सरकार ता महामारी की भाविकी मध्य ताहा कोविड टीका जोगाण रे बहु विलंब करिछि एवं सार्वजनिक टीकाकरण आज पर्यंत हो पारला नाही। डेढ़ वर्ष भितर ना अम्लजान देले ना पीपीकिट देले ना रोगी चिकित्सा कले ना हॉस्पिटल खोलिक आईसीयू व्यवस्था कले एवं वर्तमान ओडिशा रे मध्य समस्या प्रत्येक दिन 6,000-7,000 कोरोना रोगी ट्रेस आउट होती एवं विशेषकर पूरी जिले में जो कोरोना गृह गुड़िक खोल जाता जत्न गृह गुड़िक बंद हो एवं वर्तमान रोगी मानकर निजस्व घर ही संगरोध में छाड़देव आहरी एक गोष्ठी संक्रमण को देखा एवं गोष्ठी संक्रमण पूरी सहर मात्र कहीं घर ही संगरोध में रही तार कह गोटे कि कहार जोड़े घर अच्छी से कमी घर ही संगरोध रोक आउ चिकित्सा ताप किए कर तेणु संपूर्ण भाव में आम डिमांड करुच्छू आम पार्टी सीपीआईएम तरफ जे अंतपक्षे पूरी जिले में सबू करोना गृह जत्न गृह गुड़िक खोल जाऊ करोना रोगी मानी चिकित्सा कराऊ विशेषकर जे आईसीयू में भर्ती हो आईसीयू में तार समस्त चिकित्सा व्यवस्था सार्वजनिक करने अंतपक्षे से सीसीटीवी से दिया जाऊ एवं तार परिवार वर्ग जो मैंने बाहर रही है सीसीटीवी माध्यम से संपूर्ण तथ्य से देखा अधिकार दि जाऊ। पुरी रो शिवप्रसाद दास रिपोर्ट। वर्तमान खबर एति आसंता काली ठीक ए समय रे ए चैनल रे पुन थरे देखा हबो। रहुची नमस्कार।